छोड़ी हट छोड़ी नालंदा जिले के वेन और एकंगरसराय प्रखंड में पांचवें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रखंड में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव अभियान की सरगर्मी तेज होते जा रही है। मंगलवार को एकंगरसराय प्रखंड के गोमहर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी गीता देवी ने दरियापुर महमदपुर जहानपुर गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान साथ चल रही महिलाओं ने गीत गाकर लोगों से मुखिया प्रत्याशी गीता देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि भोली सिंह ने विकास के मुद्दे पर ही पंचायत चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस बार गोमहर पंचायत में बदलाव की हवा बह चुकी है क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार मुखिया कुंडली मारकर बैठ हुए हैं। विकास के नाम पर सिर्फ बात बनाने का काम किया गया है, इसलिए इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है। बात चाहे नली गली की हो या वृद्धा पेंशन या इंदिरा आवास का मामला हो, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। 20 सालों से जिन लोगों को उपेक्षित रखा गया, इस बार उन सभी लोगों का काम होगा। जन समर्थन हम लोग के बीच में है और जनता बोला है कि इस बार हम लोग चेंज करके रहेंगे, इस बार नया मुखिया हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 20 साल में हम लोग देख चुके हैं कि कितना विकास का काम हुआ है। हम लोग को भरोसा उठ चुका है सारे मुखिया से, इस बार हम नए चेहरा को लाएंगे कि किस तरह से विकास करेंगे हमारे बीच में। ऐसा ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। और आप देख ही रहे हैं कि जन समर्थन कितना है, अपार जन समर्थन है हम लोग के बीच में। आप लोग गांव गली में देख लीजिए कि कैसा जन समर्थन है हम लोग के बीच में। और विकास का जो मामला है जो आप लोग देख ही सकते हैं, पूरे गांव ग्राम में घूम कर देख लीजिए, ना तो अभी गली नली का कोई सोल्व हुआ है, ना इंदिरा आवास का है, ना वृद्धा पेंशन, किसी मामला में खड़ा नहीं उतरे हैं। वर्तमान हो या पूर्व में हो, जो भी रहे हैं वो खड़ा नहीं उतरे हैं। 20 साल से कुंडली मार के बैठे हूँ और कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ बातें बनाने का काम हुआ है। इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है, इस बार अपना विकास को जो हमारे करेंगे वो गीता देवी के साथ हम लोग खड़े हैं, सारा जनता खड़ा है हम लोग के बीच में। इस बार हम लोग चेंज करके रहेंगे, बदलाव करके रहेंगे। और भरोसा है, कहा है कि ये सेवक हैं और सेवक की तरह हम लोग रहेंगे और अब भरपूर काम करेंगे हम। अभी किस तरह का विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। जो 20 साल मुखिया रहे, धर्मेंद्र मुखिया, बाबा मुखिया, कुछ विकास नहीं किए हैं। मगर हमारा भोली बाबू पर विश्वास है, हमारा जनता को जरूर सहारा देंगे, यही हमारा अग्रह है। तो कौन कौन सा काम है जो नहीं हुआ इस इलाके में? ये नली नहीं हुआ है, न गली हुआ है, न वृद्धा पेंशन किसी को बना है, नहीं है ये तो जो कुलनी वास हुआ तो वो भी नहीं मिलता, मिल पाया है। कुछ नहीं आते हैं देखने के लिए जी। थोड़ा आप लोग क्या मूड बनाया इस बार? मूड बनाया है कि भोले बाबू के जिंदाबाद करके हमारा सहारा गरीब को ही देंगे। यानी सर बदलाव होना जरूरी है? बदलाव होना जरूरी। थोड़ा बोले।